नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर भारत का ये विशेष प्रोग्राम जहां हम आपको तरह तरह के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए संवाददाताओं से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कहां क्या, कब कौन कैसे आने वाला है और कहां क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और खबर भारत के रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं फटाफट और सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको भोपाल राजधानी की खबर देने के लिए प्रदीप जी के पास। प्रदीप चलरेजा हमारे सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से। विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो किस तरह के हंगामे के आसार, क्योंकि विधानसभा का दूसरा नाम हो चुका है हंगामेदार सभा, तो क्या वाकई वैसा ही रूप नजर आएगा या फिर बीजेपी जो पिछले कई दिन से तैयारी कर रही थी कि सत्र में इस तरह के सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाएंगे, वो तैयारी क्या है बीजेपी सरकार की और विपक्ष की भी, तो साथ में हम जानते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप चलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप जी से चर्चा करूं। पहले आपको बता दूं दर्शकों को कि हमारे साथ तमाम और स्क्रीन पर संवाददाता नजर आ रहे हैं। बालाघाट से श्याम है, नरेंद्र हैं, सरदारपुर से कमल गोस्वामी हमारे साथ इंदौर से हैं और अंबिकापुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद तिवारी। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी से करेंगे। जी प्रदीप जी, बताइएगा विधानसभा सत्र पहला सवाल तो यही रखूंगी आपसे। देखिये तो बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश का मानसून का विधान जो सत्र है वो शुरू हुआ होने से पहले ही हंगामा जो है वो यहाँ पर देखा गया। लहसुन को लेकर के तमाम जो चीजें थी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि किसानों की जो लहसुन की जो खरीदी है वो तय नहीं हो पा रही क्योंकि रेट काफी कम थे, उसको लेकर हंगामा भी जो है वो यहाँ पर किया गया कांग्रेस के द्वारा विधानसभा होने से पहले ही। और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, साथ में सुनील चौधरी से तमाम कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। लहसुन की खरीदी को जो लेकर के प्रकार से जो किसानों को तकलीफ हो रही थी उसको लेकर के यहाँ पर बड़ा हंगामा किया। साफ तौर पर उनका आरोप था कि किसानों की जो लहसुन खरीद नहीं पा रही है सरकार, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए उसके पास है लेकिन किसानों की लहसुन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये तमाम जो चीजें हैं जो अब तक कुछ देर पहले ही विधानसभा के गेट के बाहर ये चीजें हुई हैं। देखिए, लगातार ये जरूर कहा जा रहा था कि मानसून सत्र जैसे ही शुरू होगा उस समय कहीं ना कहीं हंगामेदार ये मानसून सत्र जरूर रहेगा, चाहे वो फसल बीमा जो किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है, अभी वर्तमान में जो बाढ़ देखी गई थी, साथ साथ कारम डैम को लेकर के बात हो या यूरिया को लेकर जिस प्रकार से बातें तमाम निकल कर आ रही थी, ये सभी चीजें जो है उसको लेकर के कांग्रेस हमलावर जरूर रहेगी। इसको लेकर के कल कमलनाथ निवास पर रणनीति बनाई गई थी। अब जैसे ही अब यह सत्र अभी कुछ देर बाद यहाँ शुरू होगा और शुरू होने के साथ साथ पहले तो विधानसभा के अंदर जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो दिवंगत नेता रहे हैं, जो नेता रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद जो है मानसून का सत्र आज जो पहले दिन का सत्र है उसे आगे से बढ़ा दिया जाएगा। जिस तरह से सवालों की तैयारी की बात की जा रही थी लंबे समय से, दो तीन दिन ये खबर गंभीरता से उठाई जा रही थी कि बीजेपी सरकार कमर कसकर बैठी कि इस बार जो सवाल आएंगे विपक्ष की तरफ से उन सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा और कहा जाए कि सही तरीके से और इस तरह से दिया जाएगा कि उस जवाब के एवज में कोई दूसरा सवाल ना खड़ा हो जाए, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी की दिखाई दी? कल जिस प्रकार से सीएम निवास पर ये पूरी बैठक हुई जिसमें संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात को साफ कहा था कि जो भी विपक्ष के सवाल है उनका जवाब दिया जाएगा, तमाम जो चीजें हैं जो भी सवाल है उनके जो पटल पर रखे जाएंगे उन सभी का जो है ये कहा जा सकता है कि जवाब जो है वो सरकार देगी। लेकिन पूर्ण तरीके से जो निकल कर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा सत्र को चलाया जाए, लेकिन 5 दिन का ये पूरा विधानसभा सत्र है जो तकरीबन 5 दिन पर चलना चाहिए, लेकिन हंगामा होना लाजमी है क्योंकि हंगामेदार सत्र जरूर रहेगा। पहले ये जुलाई सत्र को होना था लेकिन प्रदेश के अंदर जो निकाय के चुनाव थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जो है इनको रोक दिया गया था, लेकिन अब मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में हंगामा जो लाजमी था और हंगामा की जो है कहीं ना कहीं आज लहसुन की जो कीमतें किसानों को नहीं मिल पा रही थी उससे शुरू हुआ है, तो यकीनन जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले जो सत्र रहेगा जो 13 से लेकर 17 के बीच सत्र है, आगामी जो 4 दिन और रहेंगे वो और ज्यादा हंगामेदार रहेंगे। जैसे कई बड़े मामले यहाँ पर देखने में आए, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, कारम डैम से जुड़े मामले हो, ऐसे कई तमाम मामले जो हैं वो विधानसभा के मानसून सत्र में देखे जरूर जाएंगे। बिल्कुल, मुद्दे कई हैं और जिस तरह से सत्र की रीति रही है कि थोड़े हंगामे के साथ सत्र आगे बढ़ता है, अब 4 दिन देखना होगा
कि ये अलग अलग किस तरह से गुजरते हैं। फिलहाल के लिए प्रदीप जी बने रहेगा क्योंकि रिपोर्टर लाइव है और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ बालाघाट से, सरदारपुर से, इंदौर, अंबिकापुर, यहाँ तक कि नरसिंहपुर से भी जुड़ने वाले हैं। तो फिलहाल जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे श्याम के साथ, बालाघाट की तरफ बढ़ते हैं। श्याम सूर्यवंशी, ब्यूरो हेड हमारे बालाघाट के, श्याम क्या कहना चाहेंगे, क्या एक तो खास है बालाघाट उस क्षेत्र की हम बात करना चाहेंगे, आज भर क्या गतिविधियां वहां खास रहने वाली है जिन पर नजर खबर भारत की पैनी रहे। जी बता दूं प्रिया, यहाँ पर जो बारिश आज लगभग एक माह के पश्चात निरंतर जो 24 घंटे की बारिश वो अभी भी प्रारंभ है और रिमझिम बारिश हो रही है और किसानों के जो चेहरे पे मुस्कान लौट आई है क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती होती है और यहाँ पानी का बहुत महत्व होता है और लगभग पानी एक माह से यहाँ पे अगर रुक के आ रहा था या आ नहीं रहा था ऐसा बोला जा सकता है, जिसमें पानी को लेके काफी चिंता थी। हालांकि यहाँ पे डैम है और सिंचाई के साधन भी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं होते, वहां पे ये भगवान भरोसे खेती की जाती है। अब भगवान प्रसन्न हो गए हैं और लगभग तो निरंतर यहाँ पे बारिश हो रही है जो कि किसानों के लिए खुशी की बात। कितनी अजीब बात है, हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, इस एक काउंटर क्वेश्चन जरूर मुझे बनता है प्रदीप जी से पूछने के लिए, क्योंकि सूर्यवंशी हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ देर पहले जब हमारी भोपाल से प्रदीप जी से चर्चा हो रही थी कि किसानों का मुद्दा गरमाया जा सकता है सत्र में, जो कि स्वाभाविक भी है, किसान हितैषी सरकार माना जाता है, तो बिल्कुल उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनकी समस्याओं का समाधान मिले। और ये आपने अभी खबर की कि किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर इस बरसात से, एक वो समय आया जब बरसात ने उनकी आंखों में भी पानी ला दिया और आज जो खबर आप दे रहे हैं कि इस बारिश से कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिल उठे, तो बिल्कुल कोशिश यही होती है। तो किस तरह की, अब अगर किसानों की तरफ से मैं बात आपसे करना चाहूं, क्या कहना है उनका, क्या कह रहे हैं वो, किस तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, बताइए जरा दर्शकों को भी। अगर मौसम सही बना रहता है तो फसल अच्छी होती है, क्योंकि मौसम में अगर गड़बड़ी आई तो बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और अगर बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाए तो आज ऐसे भी किसानों के पास पैसे बहुत कम होते हैं, लोग परेशान है कोरोना काल के पश्चात। और अगर खेती करने के लिए आपकी बात करें तो धान की खेती करने के लिए एक किसान को प्रति एकड़ अगर बात करें तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में अगर कोई 5-10 एकड़ का किसान होता है, उनको दवाइयों का, कीटनाशक का प्रबंधन करने में, खरपतवार के प्रबंधन में काफी खर्चा आता है, खाद तो खाद है और ये सारी तमाम चीज महंगी होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीर खींच जाती है अगर मौसम साथ नहीं देता तो। लेकिन आज जो बारिश हुई है, कल से निरंतर जो 24 घंटे की बारिश हो रही है, इससे किसान के चेहरे मुस्कुराए हैं और आने वाले समय में अगर देखा जाएगा तो इसके एक अच्छे परिणाम भी दिखेंगे जो अच्छी फसल के रूप में होंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम आगे भी बढ़ेंगे श्याम और आपको जुड़े रहेगा। क्षमा पर्व अभी मनाया गया, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कर दिया हो भूलों को की और एक बार फिर उन वो लोगों के चेहरे पर खुशी लाते नजर आए, मेघ देवता। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, श्याम आप जुड़े रहिएगा, नरेंद्र पवार सरदारपुर से, कमल गोस्वामी वेद तिवारी, तो हम और लोगों से चर्चा करेंगे उनके क्षेत्र में क्या आज खास होने वाला है, वहां पर भी बारिश लगातार जारी है या वहां मौसम खुला हुआ है, तमाम जानकारियां लेने के लिए नरेंद्र आपके पास आऊंगी मैं। नरेंद्र पवार हमारे साथ सरदारपुर के संवाददाता खबर भारत से जानकारी देंगे। नरेंद्र जी, जी हमेशा खबर भारत किसानों के मुद्दे हमेशा उठाता रहा है सरदारपुर तहसील में, पूर्व भी यहाँ पर लहसुन प्याज को लेकर एक मुद्दा उठाया है, पर किसानों ने धरना प्रदर्शन एवं उनकी लहसुन उनकी जो हुआ है वहां पर उनको जला दिया गया था। अभी अगर बारिश की अगर बात की जाए क्रांति प्याज, तो बारिश यहाँ पर आपके बोलने से ही चालू हो चुकी है यहाँ पर सरदारपुर में बारिश अभी। आपने खूबसूरत जो बात कही कि मेरे बोलने से चालू हो गई, दरअसल ये है कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रही थी कि क्षमा पर्व हमने जैन समाज का जो एक बहुत बड़ा पर्व है, और पर्व भले ही उनका हो लेकिन इस पर्व के बहाने हम सभी भी क्षमा मांगते नजर आते हैं, तो वाकई भगवान खुश होगा यही कहा जाएगा। किसानों के लिए बहुत जरूरी था इस वक्त ये बारिश का होना, और जिस तरह से अब एक सुखद खबर से हमने शुरुआत कर ली अपने रिपोर्टर, और कौन कौन सी खबरें हैं जो किसानों के मुद्दों से इतर आपको लगता है कि दर्शकों तक उन खबर को पहुंचाया जाना चाहिए, किसी जनप्रतिनिधि के आगमन पर भी चर्चा हो सकती है, किन्हीं बैठकों
पर भी हम बात कर सकते हैं, वो तमाम खबरें जो आपको लगता है इस वक्त दर्शकों को दी जानी जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र, आपसे चर्चा हम और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि और बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं आपसे करने वाली हूँ। कमल जी आपके पास आ जाते हैं, इंदौर की तरफ बढ़ेंगे जी। कमल जी क्या कहना चाहेंगे? कमल गोस्वामी, कमल जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ा सा वॉइस में कुछ समस्या आ रही है, मैं चाहूंगी वॉइस क्वालिटी का हम ध्यान रखें क्योंकि आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं संवाददाता, और वो जानकारी अगर दर्शकों तक ना पहुंचे तो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं दर्शक, तो उसको सुनिश्चित कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं, नहीं तो मैं जितेंद्र जी की तरफ बढ़ जाऊंगी। कमल जी प्लीज। मुख्यमंत्री जी का सपना है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर आए, खबर बहुत मामले उठे हुए हैं इन पर और समय हमको उपकरण खरीदी पे भी बहुत मामला बना है। मैं दिखाना चाहता हूँ जो कमल जी रोकना चाहूंगी आपको और बढ़ेंगे हम ग्वालियर की तरफ। जितेंद्र सिंह परिहार ग्वालियर से हमारे संवाददाता और जुड़ेंगे ग्वालियर से और जानेंगे हम क्या हाल है ग्वालियर के और क्या वहां की गतिविधियां हैं। जितेंद्र जी बताइएगा क्या कहता है ग्वालियर शहर कि आज किसका आगमन होने वाला है, वहां की जनता और शहर की जानकारी हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश को मिले। आज ग्वालियर मतलब पहले तीन दिन से ये कहेंगे कि यहाँ वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है कि 15 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा जो 1500 करोड़ की एक योजना है, एलिवेटेड रोड है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं जो कि इसका उद्घाटन होना है। यहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी आदि आदि वरिष्ठ नेता, इसमें सीएम साहब भी शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर के शहर की आबोहवा पूरी तरीके से राजनीतिक आबोहवा मंडल बना हुआ है यहाँ और वीआईपी मूवमेंट सक्रिय है। दूसरी बात यदि करें तो मौसम की यदि बात करें तो हाँ कि पिछले कुछ दो तीन दिनों से बहुत यहाँ पर गर्मियां थी लेकिन अब कल से मौसम बड़ा खुशनुमा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मौसम हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं मौसम में। जी, आप जिस आयोजन की भी बात कर रहे थे जो 15 तारीख को होने वाला है उससे क्या फायदे होने वाले हैं, उस आयोजन का उद्देश्य क्या है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर हम विस्तार से बता पाए। जी जी जी, जो एलिवेटेड रोड है एक्चुअल में यहाँ पर जो यातायात जो शहर के अंदर भारी मात्रा में वाहन हो गए हैं, यातायात हो गए, आबादी बढ़ गई है, तो इसको लेकर के शहर के अंदर क्या अक्सर जाम की स्थितियां होती हैं। तो हमारे शहर के अंदर एक स्वर्ण रेखा नदी है जो आज की प्राचीन नदी है जो काले में तब्दील है, तो उसके साइड पे 4 लाइन तक निर्माण किया जाना है जिससे जो विभिन्न कहना चाहिए कि शहर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनको लिंक करेगा और उससे क्या है कि लोगों को यातायात आवागमन में सुविधा होगी, रोजगार के अवसर भी आएंगे। तो इसको लेकर के इस रोड के लिए लंबे समय से इस तरह की मांग हो रही थी कि शहर के अंदर कोई ऐसे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाए ताकि शहर की आबादी को आराम हो, लोगों को चलने फिरने में सुविधा हो। जी, जिस तरह से अगर हम राजनीतिक हलचल की हम बात करना चाहें, आपने शहर की गतिविधियों की बात कर ली, मौसम का हमने जिक्र कर लिया, किस तरह की समस्याओं से इस वक्त शहरवासी जूझ रहे हैं, कुछ मूलभूत समस्याओं का भी हम जिक्र कर सकते हैं, उस पर उठाए जाने वाली बीजेपी सरकार के कदम पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आपको लगता है अगर किसी मुद्दे विशेष की जानकारी हमें देनी हो, किसी पहल विशेष की जानकारी हमें देनी हो, किसी नवीन कार्यों की जानकारी हमें अगर देनी हो तो जितेंद्र जी क्या जवाब हो सकता है आपका? जी जी, मैं इस समय मेन मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरसात के कारण सड़कों की स्थितियां बिगड़ी हैं, तो गड्ढे हैं, सड़क है, पेचवर्क का काम चल रहा है, उसको लेकर के लोगों से भी जताया, थोड़ा कहीं सीवर पानी की भी समस्याएं इस समय देखने को मिल रही है, उसको लेकर के कल बैठक भी हुई थी और बैठक में जो ऊर्जा मंत्री प्रदीप सिंह तोमर हैं और अन्य लोगों ने प्रभारी मंत्री ने नगर निगम आयुक्त कान्याल जी को
सख्त निर्देश दिए थे कि इन समस्याओं को तुरंत निराकरण किया जाए और लोगों को समाधान हो। दूसरा, खाद्य के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, खाद्यान्न विभिन्न दुकानों पर आवंटित नहीं किया गया और कुछ दुकानें बंद पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जहां खाद्यान्न पहुंचा था वहां खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है और लोगों को खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया है। जी, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आप रखना चाहूंगी, 14 तारीख से जुड़ा हुआ वो सवाल है, लेकिन कुछ और रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, तो जितेंद्र जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप बने रहिएगा, फिलहाल तो हम कुछ और लोगों से बात कर लेते। वेद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं अंबिकापुर से, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। इंदौर से कमल जी से हमारी चर्चा भी फिलहाल अधूरी रह गई वॉइस क्वालिटी के चलते, और लगातार शाम तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, कुछ और लोग अगर मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो हम चर्चा करें। मैं वेद के पास आ जाऊंगी, आपको मेरी आवाज पहुंची। वेद तिवारी हमारे संवाददाता है अंबिकापुर से। जी वेद, बिल्कुल उसी से मैं शुरुआत करती हूँ आपके साथ बातचीत की, कि पहले तो हम ये बता देते हैं कि आज दिन भर कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली हैं, राजनीतिक हलचल रहेगी, लोगों को लेकर हम समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं, या उस शहर में या उस अंबिकापुर में या उस जिले में भी होने वाली तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी। जी मैं बता दूं कि वीआईपी मूवमेंट में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत अपने साथ जिले पर है, तो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेष करके आज अंबिकापुर संभाग में अंबिकापुर जिले में कलेक्टर जल सफाई केंद्र का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों की शिकायत सुनेंगे और उनका निवारण करेंगे। और रही बात समस्या की, प्रशासन बहुत बरसात का माहौल है और सड़कों की दुर्दशा जो है बाकी आप यहाँ पे गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नगर निगम में प्रशासन नहीं दे रही है और मौसम रुक रुक के हो रही है, बेमौसमी बारिश रुक रुक के होने के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। लगातार हॉस्पिटलों में जिला अस्पताल में 150 से 1500 करीब लगातार ओपीडी में मरीज इलाज की जिससे कई हमारी। आपने बहुत खूबसूरत जो बात अभी की है, जिस पर से मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए हट गया था, लेकिन आपने उसका जिक्र करके चीजों को याद दिला दिया, जन सुनवाई। मंगलवार को होने वाली वो जन सुनवाई जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और सरकार ने इसलिए जन सुनवाई का जो चलन है वो शुरू किया था, वो समस्याएं जो सीधे तौर पर बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है वो जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंचाती है समय समय पर, और उन जन सुनवाई को सीधे तौर पर सुनकर कई बार निराकरण वहीं के वहीं हो जाता है। ये मकसद जो सरकार का रहा, इस उद्देश्य से जन सुनवाई की शुरुआत की गई थी, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जन सुनवाई में आ रहे हैं कितने प्रकरण हैं जिन पर निराकरण हो चुका है। सुविधाओं से वंचित गाँव में आवेदन दे रहे हैं और जहां तक बात की जाए तो यही जहां पे कई सालों बाद बिजली आई है वो कहीं ना कहीं सर्दी फसल से पहले आज आजादी के इतने साल बाद बिजली पहुंची वहां पर, वही आज भी जो बात जो प्रकरणों का मामला लगातार जारी रहेगा। जन सुनवाई केंद्र में जमीन और यातायात सुविधाओं से लेकर ग्रामीण अपनी समस्या लेकर हम कमल जी से करना चाहेंगे, कमल जी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र आपसे एक सवाल मेरा अभी छूट गया है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ी देर लौटूंगी तो वो सवाल रख लेती हूँ, ग्वालियर महत्वपूर्ण शहर और वहां से इस सवाल को पूछा जाना जायज है और जवाब आपसे मिलेगा बिल्कुल मुझे पता है। तो जितेंद्र 14 तारीख है कल, महत्वपूर्ण दिन, हिंदी दिवस की बात करते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हम हिंदी भाषी हैं तो किस तरह की तैयारी, क्योंकि विशेष आयोजन किए जाते हैं सरकार की तरफ से, यहाँ तक कि सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हैं 14 तारीख की हिंदी दिवस की, तो किस तरह का आयोजन वहां पर
वहां की तैयारी क्या है इस दिवस को लेकर? ये कला और संस्कृति की नगरी रही है ग्वालियर, और हम ये भी आज इस समय दिलाना चाहेंगे जब हिंदी दिवस की बात आ रही है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर की धरा से थे, जो हिंदी के इतने अच्छे कवि थे, इनकी कविताओं को सुनने के लिए लोग दूर से आते थे, और जब जो भाषण या अपना उद्बोधन देते थे तो उसको लेकर के लोग घंटों इंतजार करते थे। तो हम उस नगरी से हैं, इसको लेकर शहर में विभिन्न तरीके से अलग अलग संस्थाएं और लोग कार्यक्रम घोषित करेंगे और वो गोष्ठियां शाम तक आयोजन उनके शाम को चालू हो जाएंगे। ये दूसरा विषय इस समय जो मूल है वो ये है, ग्वालियर को जो सौगात दी जा रही है इसको राजनीतिक तौर पर कहें तो इसको लेकर के ज्यादा चल है जी। दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज का ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि इस समय जैसे जो सीजन की बात आ रही है, बीमारियों की बात आ रही है, ग्वालियर में डॉग वाइट के बहुत प्रकरण आ रहे हैं, और ये अभी 163 के करीब करीब इस महीने में एक डॉग वाइट के मामले आए हैं, उसको करके भी कल जो प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी जी। ये जो मुद्दा है समय समय पर जरूर उठता है और मुझे लगता है ये हर क्षेत्र से उठता है, डॉग बाइट का जो मामला है बहुत जरूरी हो गया है इस पर नियंत्रण करना। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब जब प्रशासन की बात उठी है तो एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आगे बढ़ूंगी, ग्रुप की तरफ जरूर जाना चाहूंगी, इस सवाल को लेते हुए ही आगे बढ़ूंगी, उसका जवाब पहले आपसे ले लेती हूँ। गणेश विसर्जन हम बहुत सारी शिकायतों की बात करते हैं, अगर मैं आपसे मिली जुली प्रतिक्रिया रिपोर्टर लाइव में हम का दूसरा पहलू भी जरूर करते हैं। इस बार गणेश विसर्जन जब हुआ तो सब सुखद रूप से हुआ क्योंकि प्रशासन की व्यवस्थाओं की काफी तारीफें हुई, जितेंद्र क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल सच बात है कि इस बार जो गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम किया गया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और प्रशासनिक व्यवस्था हर तरीके से व्यवस्था कहेंगे, चाहे विसर्जन को लेकर के हो या विसर्जन की तैयारियों कर को हो, विसर्जन के लिए शोभा यात्रा के लिए उसके लिए तो पूरी तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ, कहीं से कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसा कि मैं भी कहा कि मैं इसी सवाल के साथ आगे बढ़ूंगी कोरबा की तरफ, छत्तीसगढ़ और जितेंद्र हथेल हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र यहीं से शुरू करती हूँ, विसर्जन को लेकर जो हुआ व्यवस्था जो थी प्रशासन, बिल्कुल 2 साल बाद हमने त्योहार मनाने की शुरुआत हो चुकी गणेश उत्सव के साथ, अब त्योहारों का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ गई कि हम सारे त्योहारों को बहुत खुशी हंसी के साथ ही मनाएंगे, किस तरह की कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिलेगी, जिसका मुझे लगता है कि विसर्जन एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। अगर 2 साल पहले की बात करें तो तमाम ऐसी घटनाएं जिन्होंने दूर कर दिया था, और इस बार कैसा रहा माहौल सवाल के जवाब से शुरू करते हैं जी। जितेंद्र मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप सुन पा रहे हैं जितेंद्र? समस्या है तो नरेंद्र और श्याम दो हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम आपके पास आती हूँ, श्याम कहिएगा, मैं कहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बार त्योहार की बात करें, चाहे जैसे आपने बताया कि गणेश से चालू करते हैं और काफी अच्छा माहौल देखा गया, प्रशासन की जो बात करें तो वास्तव में काबिले तारीफ हुआ है, इस बार ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। यहाँ पे जहाँ पे भी विसर्जन के थे वहाँ पे विसर्जन कुंड बनाए गए थे, प्रशासन मुस्तैद था, वहाँ पे प्रशासन ने पूरे की व्यवस्था करा रखी थी, वहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे, बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ लगभग 3 दिनों तक के लगातार विसर्जन का काम चलते रहा और बहुत अच्छे तरीके से विसर्जन का कार्य था वो पूर्ण हुआ। एक सवाल और जुड़ा है आपसे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमने चुनाव के समय काफी रोचक माहौल देखा, उस वक्त जो लोग जीतकर आए थे बहुत उम्मीदें लगाकर जनता ने अपना कीमती वोट दिया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं, जिसकी हम देख सकते प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। क्या प्रतिक्रियाएं हैं जनता की, जिन्होंने सिरमौर बनाया, जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, संतुष्ट है जनता? पहली बार ऐसा देखा जाता है यहाँ पे कि चुनाव होने के बाद इतने प्रत्याशी थे तो विजय होकर आए हैं, वो काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, गंभीर होकर कार्य भी कर रहे हैं। अगर उनकी बात करें तो वो शिक्षा को लेकर गंभीर, सारे जितनी भी शासकीय
ऑफिस होते हैं उनमें जाकर वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, वो हर जगह यानी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कल एक बालाघाट से लगा हुआ ग्राम पंचायत गर्दा है, वहां पे सरपंच जब आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, उन्होंने वहां का संज्ञान लिया तो पता चला कि वहां पे 5 बच्चे कुपोषित है। ये एक बड़ा सवाल उठकर सामने आया है कि आंगनबाड़ी चलने के बाद शासन प्रशासन इतना पैसा खर्चा कर रहा है आंगनबाड़ी के माध्यम से, लेकिन कुपोषण आज भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके गंभीर होना पड़ेगा। और अगर बात करूं जैसे कि आपने बोला कि आदिवासी क्षेत्र तो अगर बात मैं बिहार और मलाखंड की, तो वहां पे नगर पालिका चुनाव अब होने वाला है 12 तारीख। कल अगर कल के दिन की बात करें तो कल वहां पे नामांकन का अंतिम दिन था, 12 तारीख को जितने प्रत्याशी को नाम चुके हैं और 27 तारीख वहाँ पे निर्वाचन मतदान का दिन रहेगा और मतदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम से हमें जानकारी देने के लिए। और केंद्र में आपसे एक सवाल जरूर रखना चाहूंगी, बहुत देर से मौसम में बदलाव, किसानों की समस्या और बीमारी, इस पर जिक्र हो रहा था, लंपी वायरस ये शब्द सुनने को, और वायरस तो कोरोना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये मामले भी गरमाए हुए हैं कि संक्रमण एक बार फिर से फैल सकता है। वहां किस तरह से प्रशासन बैठा हुआ है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं होने देगा, से जागरूकता अभियान लगातार जारी है वायरस को लेकर, और वायरस से सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां भी हैं? जी जी क्रांति प्रिया जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा में अगर बात की जाए एक लंपी वायरस अभी जो गायों में फैल रहा है तेजी से, अभी अगर जाए तो अभी पशु चिकित्सालय में हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 10 गाय सरदार तेजी में पाई गई जिनको लंपी वायरस हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए तो जैसे उन गायों को अलग ही रखा जाए, क्वारंटाइन किया जाता है, गायों को क्वारंटाइन किया जाएगा, साथ ही उनको जो दूध है उनको उबाल कर, इसके बाद में यहाँ पर अगर जाए नीम का प्रयोग करना, फिटकरी का छिड़काव करना, उसको लेकर भी यहाँ पर पशु चिकित्सालय ने बताया। पशु बिल्कुल, तो जैसे हमारे तमाम संवाददाता आपको दर्शक इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। श्याम हमारे साथ जुड़े हुए थे नरेंद्र से, और हम देख सकते हैं कोरबा संवाददाता जितेंद्र वेद हमारे जुड़े हुए थे, और जितेंद्र पर हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, मौसम की मार सभी पर है, तो आप लोग चूंकि फील्ड पर बने रहते हैं ताकि तमाम जानकारियां यहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, आपका बेहद शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दर्शकों आपसे भी अनुरोध, और बने खबर भारत के साथ। जल्दी फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।